आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दवा के बारे में जो पेट के लिए और खास करके लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने दवा का नाम लिख दिया है और इसके फायदे के बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन इसको और भी बहुत सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्टोमक का प्रॉब्लम होना, जैसे कि गैस होना, आपको भूख सही से नहीं लगता है, आप कुछ खाते हैं तो वो आपको हजम ठीक से नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट की तरफ बर्निंग सेंसेशन होता है, आपका सीना जलता है, ये सब बीमारियों में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है फैटी लीवर के केस में, या आपका लीवर ख़राब हो चुका है, लीवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बनाता है, इसीलिए इसको फीवर में भी यूज़ किया जाता है, कि इस दवा को मलेरिया के केस में भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि ये मलेरिया की केस में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मलेरिया के दौरान इसको ले सकते हैं, आप अपना डॉक्टर दिखाइए, दवा लीजिए। मलेरिया आप लोग जानते हैं कि ठीक होने के कुछ दिन या कुछ महीना तक वो आपके शरीर में असर दिखाता है, तो जिस दिन आपका मलेरिया ठीक हो जाए उसके बाद भी आप इस दवा को एक या दो महीना तक कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिन लोगों का स्टूल ठीक से पास नहीं होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोग भी इस दवा का सेवन कर सकते हैं। जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है या जिनके उस पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, वो लोग भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को आपको लेना कैसे है और इसका सही तरीका क्या है। सबसे पहला वार्निंग, इस दवा को आप खाली पेट लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस दवा को लेने से कम 40 मिनट या 30 मिनट पहले आप कुछ भी ना लें, यहाँ तक कि पानी भी ना पिए, और इस दवा का सेवन करने के बाद 30 मिनट या 40 मिनट तक आप कोई भी चीज़ ना खाए ना पिए, पानी भी नहीं पिए। ऐसा करने से इस दवा का असर बहुत ही अच्छा देखा जाता है। अगर खास करके सुबह के टाइम पे जब इंसान खाली पेट होता है, या दोपहर या शाम के टाइम पे जब आप पूरा खाली पेट है, तब आप इस दवा का सेवन करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको आपको लेना कैसे है, सिंपल तरीका है, आपको थोड़ा सा गर्म पानी करना है, बिल्कुल हल्का गर्म जो आप पी सकते हैं, एक कप ले लीजिए, कप के अंदर थोड़ा सा पानी डालिए, एक घोट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उसके अंदर आप इस दवा का 15 बूंद डाल दीजिए। अब आप इस दवा को डाइट पी लीजिए, ऐसा करके आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं, आप डॉक्टर भी दिखा सकते हैं, कुछ लोगों को 3 बार भी इसका सेवन करना चाहिए अगर उनका केस ज़्यादा ख़राब है तो। और इसको आप कम से कम 2 महीना तक सेवन कीजिए या 3 महीना तक, आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।